जय हिंद। आज हम सीखने वाले हैं विंडोज 7 का ISO फाइल से बूटेबल ISO कैसे बनाते हैं और कैसे विंडोज 7 इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले विंडोज 7 का ISO फाइल डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता कहां से डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसका नाम है रूफस। ये एक फ्री और पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोनों फाइल डाउनलोड करने के बाद अब रूफस सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए और यस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद बूट सिलेक्शन ऑप्शन से विंडोज 7 का ISO फाइल सेलेक्ट कीजिए। ओके। इसके नीचे एक ऑप्शन है पार्टीशन स्कीम, वहाँ से MBR ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और उसके राइट साइड में टारगेट सिस्टम है, उससे BIOS और UEFI CMS मोड को सेलेक्ट कर लीजिए और स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। और अब बूटेबल USB बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ओके, 100% हो गया। अब जिस कंप्यूटर में विंडोज 7 इंस्टॉल करना है उसमें इस USB को लगा लीजिए और अगर कंप्यूटर ऑन है तो उसको शट डाउन कीजिए और ऑफ होने के बाद फिर से उसको स्टार्ट कीजिए। और अब बूट मेनू की, जो कि सब कंप्यूटर का अलग अलग होता है, किसी का F11, किसी का F9, किसी का F7, F12 ऐसा होता है। मेरा F11 है, तो F11 दबा के और ये बूट मेनू की आपको दबाते रहना है जब तक बूट मेनू शो नहीं होता। और यहाँ से आप USB स्टोरेज डिवाइस या जो भी आपका पेन ड्राइव का नाम है उसको सेलेक्ट करके एंटर दबाइए और विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, विंडोज़ इज़ लोडिंग फाइल्स, मतलब अब विंडोज़ इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है। के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से कौन सा वर्जन का विंडोज 7 इंस्टॉल करना है उस सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। मैं विंडोज 7 प्रोफेशनल वर्जन इंस्टॉल करने वाला हूँ। अब आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन देख सकते हैं, पहला है अपग्रेड और दूसरा है कस्टम। हम कस्टम पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है। अब यहाँ से हमें किस पार्टीशन में विंडोज़ इंस्टॉल करना है चूज़ करना है। अब यहाँ से सबसे ऊपर जो 100 MB का और 100 GB वाला ड्राइव है उन दोनों को डिलीट कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आप लोग देख सकते हैं इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। अब थोड़ा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लगता है। अगर बहुत पुराना कंप्यूटर है तो इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये फिर से रिस्टार्ट होगा। अब ये फिर से रिस्टार्ट होने के बाद अब आप अपना नाम डालिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड हिंट फील लगाना पड़ेगा आपको और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए।
जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कनाडा इंडिया कल कनाडा सेलेक्ट है और मैं अब इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद रिस्टार्ट होगा और हमारा इंस्टॉलेशन 100% कंप्लीट हो चुका है। अभी अपना पासवर्ड डाल के एंटर दबाइए और विंडोज कंप्यूटर रेडी है। थैंक यू।